सब्सक्राइब माय चैनल फार्मा टैंक टू इंक्रीज योर मेडिसिन एंड नॉलेज। मेडिसिन के बारे में हिंदी में जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक्निस्टर जेल के बारे में। जेल का नाम से ही आपको शायद पता चल गया कि जेल को किस प्रॉब्लम में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, इस जेल को एक्ने होने पर दिया जाता है, पिंपल्स होने पर भी यह जेल दिया जाता है। एक्निस्टर जेल की और क्या क्या बेनिफिट्स है, इसको कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इसका साइड इफेक्ट्स है, यही सब बातें आप जानेंगे आज के पूरे वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करता हूँ एक छोटा इंट्रो के बाद। एक्निस्टर जेल मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। मार्केट में इसका 22 ग्राम का ट्यूब अवेलेबल है जिसका एमआरपी है 110 रुपीस। यह जेल आपको किसी भी केमिस्ट शॉप में इजीली मिल जाएगा। एक्निस्टर जेल की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें दो मोलिकुल रहता है। फर्स्ट मोलिकुल है क्लिंडामाइसिन जो रहता है 1% वेट बाई वेट, और दूसरा मोलिकुल है निकोटिनामाइड जो रहता है 4% वेट बाई वेट। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक है। क्लिंडामाइसिन पिंपल्स और एक्नी कॉजिंग बैक्टीरियाज को मारते हैं। क्लिंडामाइसिन के कारण बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण पिंपल्स और एक्नी कंट्रोल में आते हैं, यानी ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। निकोटिनामाइड इज ए फॉर्म ऑफ विटामिन B3, इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। निकोटिनामाइड रेडनेस और जलन को कम करते हैं। निकोटिनामाइड ब्लॉचिंग स्किन को ठीक करते हैं। ब्लॉचिंग एक स्किन का प्रॉब्लम है जिसमें स्किन का कुछ कलरल चेंजेस दिखाई देते हैं। ब्लॉचिंग स्किन के कुछ पिक्चर आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख लीजिए। निकोटिनामाइड पोर अपीयरेंस को कम करते हैं। पिंपल्स और एक्नी होने के बाद स्किन के ऊपर सेद या गड्ढे होते हैं, यानी स्किन सेदी लाल बन जाते हैं, और इस प्रॉब्लम को पोर अपीयरेंस बोला जाता है। पोर अपीयरेंस का कुछ पिक्चर आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख लीजिए। निकोटिनामाइड हाइपर पिगमेंटेशन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए मोबाइल स्क्रीन पर कुछ हाइपर पिगमेंटेशन का पिक्चर्स। निकोटिनामाइड स्किन के डालनेस भी दूर करते हैं और स्किन को ग्लो करते हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा एक्निस्टर जेल को कैसे लगाना है और दिन में कितने बार लगाना है। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोज़ अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियोज़ को देख पाए। यह जेल दिन में एक बार लगाने को दिया जाता है। इस जेल को लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है रात को सोने से आधा या एक घंटा पहले लगाना। एक्निस्टर जेल लगाने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। डॉक्टर के सलाह लेके ही आप इस जेल को लगाइए। एक्निस्टर जेल की साइड इफेक्ट की बात करें तो बहुत कम लोगों में ही जेल का साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि कुछ लोगों में इरिटेशन होते हैं, कुछ लोगों का स्किन ड्राई हो जाते हैं, कुछ लोगों में रेडनेस दिखाई देते हैं यानी स्किन लाल हो जाते हैं, कुछ लोगों में बर्निंग सेंसेशन भी पाया जाता है। मतलब ये क्रीम लगाने के बाद कुछ लोगों के स्किन में जलन फील करते हैं। इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी का बेनिफिट हो। एक्निस्टर जेल का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय।